हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो एमके जे टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन इन हिंदी में। कैसे हैं आप? अंतरराष्ट्रीय बाजारों में धुआंधार तेजी, क्या अब की बार बाजार 19,000 के पार? ये प्रश्न सबके दिलों में आ रहा है। कई लोग तो यहां तो कह रहे हैं कि दिवाली तक बाजार जो है 19,000 काट देगा और ईयर एंड तक 20,000 के पार। अब की बार 20,000 के पार। भाई बढ़िया है, अच्छा है। अगर बाजार 20,000 काट देता है, अगर 20,000 काट देता है ना, तो सबसे ज्यादा खुश मैं हूंगा, क्योंकि मेरे पोर्टफोलियो में 2 रुपए का प्रॉफिट आ जाएगा। मैं तो कहते दिल पुकारे नाच रे नाच रे नाच रे। भैया मेरा तो कहते बंगला डाल देंगे हम तो 20,000 के पार हो जाए। मेरी तो सबसे ज्यादा इच्छा है कि बाजार 20,000 के पार जाए, मेरी बहुत ज्यादा विशफुल डिजायर है। पर बात यही है ना, सारी इच्छाएं पूरी हो जाती तो बात ही क्या थी। अब देखो, दिल से सोचते हैं तो लगता है यार हाँ आपकी बार 20,000 के पार, पर दिमाग से सोचते हैं तो लगता है दिल्ली अभी दूर है। आज मैंने एक अपने टेलीग्राम चैनल पे पोल कराया। हाँ, टेलीग्राम को बता दूं भैया, बहुत सारे डुप्लीकेट चैनल टेलीग्राम के बने हुए हैं। मेरा टेलीग्राम चैनल खास है, यहाँ केवल वही लोग ज्वाइन करते हैं जो शेयर बाजार में सच में इंटरेस्टेड होते हैं, यानी जिनके लिए शेयर बाजार मजाक नहीं है, एक बिजनेस है, एक व्यापार है। और मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने का सही तरीका है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हो उसी से ज्वाइन करें और किसी माध्यम से ज्वाइन ना करें। आज मैंने पोल किया था और मैंने कहा था भाई, ये जो एक्सपायरी आएगी परसों की, कल तो छुट्टी हो गई दशहरे की, परसों की एक्सपायरी 16,800 के नीचे होगी, 16,800 से 17,200 के बीच होगी और 17,200 से ऊपर होगी। तो 50% के आसपास वोट पड़े हैं जो कह रहे हैं भाई 17,200 से ऊपर होगी, 37% वोट पड़े हैं 16,800 17,200 के बीच होगी, 16,800 के नीचे 14% के वोट पड़े। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि इसमें से क्या होगा, वो हमें पता हो तो बात ही क्या, फिर तो हमारे से बड़ी तोप ही कोई नहीं है। पर मैं एक बात कहूँगा भी, डाटा ये साफ बता रहा है कि लोग बुलिश हो चुके हैं, एक्स्ट्रा बुलिश। जब मैंने देखा है लोग एक्स्ट्रा बुलिश हो जाते हैं ना, तो वही हमें बाजार धोखा देता है। कहते ना, हमारी तो कश्ती भी डूबी वहां सनम जहाँ पर था पानी सबसे कम, यानी बाजार हमें वहाँ मारता है जब हमें विश्वास ही नहीं होता। भाई देखो, एक डेड कैट बाउंस करके टर्म है जो आपने सुनी होगी, जब बिल्ली को मारती है ना, मर जाती है बिल्ली, गिरती है तो वो तड़फती है, हमको लगता है जिंदा है जिंदा है जिंदा है, फिर मर जाती है। तो शेयर बाजार में जब बड़ी नीचे को छलांग बनानी होती है ना, तो वो एक बार लोगों को गर्म कर देता है। आज इतने सारे लोगों को फोमो हो रहा था, इतना ही फोमो हो रहा था, मेरे व्हाट्सएप के स्टूडेंट्स ने इतना मेरे से डिस्कशन किया व्हाट्सएप के माध्यम से, एक दिन कॉल करके बात करी, सर हम ये खरीद ले हम वो खरीद ले। मैंने कहा भाई कल कहाँ थे, कल खरीद लेते ना, आज ही क्यों सारा माल खरीदना है। सर कल गिरा हुआ बाजार, हम डर गए थे। अब वो फोमो हो रहा है, तो जब ये फोमो होता है ना, फियर ऑफ मिसिंग आउट, तभी बाजार कांड करता है। देखो, बाजार में कामयाबी तो तभी मिल सकती है जब आपकी तैयारी दोनों तरफ की। इस वक्त वोलेटिलिटी के चलते बहुत हालत ख़राब है बाजार की, किसी वक्त भी बाजार 500, 700, 1000 पॉइंट गिर जाता है झटके में। देखो, मैंने तो इस चीज़ को अप्रिशिएट करते हुए अपनी पोजीशनें काफ़ी लाइट कर ली। मैं आपको बताया तो मेरी टोटल पोजीशंस कितनी है, एक अकाउंट जो है उसमें 30 पोजीशन है, 30 ठीक है, मैं 60-70 तक चला जाता हूँ, 30 में से भी एक स्क्वायर ऑफ होगी तो 29 ही रह गई। और दूसरे अकाउंट में मेरी पोजीशन है 9, तो यानी 40 के नीचे पोजीशन है, बिल्कुल कम भी नहीं है भाई साहब। 6 लाख की एक पोजीशन मान के चलो, 40 × 6 2 करोड़ 40 लाख, 2.5 लाख के आसपास, 2.5 करोड़ के आसपास की पोजीशन है, तो कम भी नहीं है लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं है। मैंने कम इस सिलसिले में कर ली, मैंने कहा भाई सारी पोजीशनें लॉस में थी, जहाँ प्रॉफिट मिल रहा है बुक तो करो, और अगर बाजार बहुत ज़्यादा गिर जाएगा फिर नई पोजीशन बना लेंगे। तो अपने को मैं हल्का करके चल रहा हूँ। तो जब बाजार में अनसर्टेनिटी हो, मैं सबसे बड़ा फॉर्मूला दे रहा हूँ आपको, जब बाजार में अनसर्टेनिटी हो, आपको लगे भाई ऊपर जा सकता है बहुत माल है कोई दिक्कत नहीं, नीचे गिर सकता है पैसे कम है, कैसे उठाएंगे डिलीवरी, कैसे लेंगे शेयर, ज़्यादा नहीं ले पाएंगे, तो सबसे आसान तरीका है अपने को हल्का करके चलो।
हल्का, हल्के होके आप बाजार में उतरेंगे ना तो कॉन्फिडेंस से काम कर पाएंगे। आज भी मैंने छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग कर ली क्योंकि मैं हल्का हूँ, बिल्कुल हल्का, लाइट लाइट। तो लाइट लाइट हल्के होके चलोगे तो ही बाजार में नीचे के रेटों पे काम करोगे। एक्चुअली बाजार जब नीचे की तरफ जाता है ना तो एक झटके में नहीं जाता है, क्योंकि अगर एक झटके में जब गिरता जाता है ना बाजार, तो लोग ट्रेडिंग ही बंद कर देते हैं। लोगों के अंदर फियर ऑफ मिसिंग आउट पैदा करना पड़ता है। अब कई बच्चे कहेंगे सर अब मान लो बाजार नहीं गिरता, सर आपने कहा था बाजार गिरना था, गिरा नहीं, हम रुक गए। अबे मैंने थोड़ी रोका आपको रुकने के लिए, मैं तो ट्रेड कर ही रहा हूँ, मैं तो हर गिरावट में कुछ ना कुछ खरीदता हूँ। पर सारे पैसे नहीं खत्म करता ना, आप क्या चलते हो 0-1 में। कितनी बार मैंने आपको कहा है 0-1 नहीं होता है, लेकिन आप 0-1 पे चलते, इसलिए दुखी होते। आपको लगता बाजार गिरेगा तो बस जीरो खरीदेंगे, कुछ नहीं खरीदेंगे। जब बिल्कुल बॉटम बना लेगा, जिसका आपको भी नहीं पता बॉटम क्या है, मुझे भी नहीं पता कब खरीदोगे, सर जब बाजार बॉटम बना लेगा। बॉटम कहाँ बनेगा सर ये नहीं पता। अबे खरीदोगे क्या फिर, ये ही नहीं पता कब खरीदोगे, कुछ पता ही नहीं है। तो 0-1 नहीं होता। आप क्या करते हो, बाजार गिरता है बिल्कुल नहीं खरीदते, बैठे वो चढ़ जाता है रोने लगते। तो भाई बाजार का रेंज बना लो कि भाई गिरना है, हल हल से हवा चलती है, होले होले से माल प्लस होता है, बस होले होले से शेयर खरीदते रहो जो आपको पसंद, कभी कोई खरीद लिया जो ज्यादा गिरा हुआ, कभी कोई खरीद लिया। जल्दीबाजी हफड़ा दफड़ी क्यों करनी, गरम गरम खाओगे मुंह जल जाएगा, ठंडा ठंडा खाओ ना। और अगर बिल्कुल ही नहीं खाओगे तो बस भूखे ही रह जाओगे, तो वो वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि भाई अपने को हल्का करके चलो। मैं कह रहा हूँ बाजार गिर सकता है, पर मेरी 40 पोजिशनें तो है ना अभी भी, जब मैं बुलिश होता हूँ तो मेरी 100 पोजीशन हो जाती है, एक बार तो 300 भी हो गई थी। तो अभी मैं थोड़ा सा डरा हुआ हूँ तो मैंने पोजीशनें जीरो थोड़ी कर दी हैं, कम कर दी, प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ, फिर कुछ बेच देता हूँ, प्रॉफिट बुक करता हूँ। अब कॉले बेच दी, कॉले बेच दूंगा, डिलीवरी चली जाएगी कॉलों की, आपकी ITM हो जाएंगी, तो क्या होगा, बहुत सारा पैसा आ जाएगा। अभी मैंने नहीं बेचा, मैंने पुट्टे भी बेची हैं, इंडसइंड बैंक की 2 पुट्टे बेच दी बड़ी अग्रेसिव, ITM पुट्टे, बैरिल और ओपल को डेमो दिया जबरदस्त, गट का MK खतरे के खिलाड़ी गट, अब वो खतरे के खिलाड़ी गट एक दो में और बनाने की सोच रहा हूँ। तो मैं कुछ ना कुछ कहते हैं ना करता ही रहता हूँ यार, मैं नहीं रुकता, क्योंकि शेयर बाजार की खूबी ये है, जानी जो रुक गया सो फूक गया। कैसा लगा डायलॉग, कंपनी होता है जो रुक गया सो फूक गया। तो भैया रुकना नहीं है, हम रुकेगा नहीं, पर स्पीड तो स्लो कर सकते हैं ना, गाड़ी रोकनी नहीं है, स्लो करनी है, सेफ्टी से चलानी, दाएं बाएं देखते हुए धीरे धीरे, टिक टिक टिक, कोई दिक्कत नहीं। हवाई जहाज में मत बैठो। तो ये बेसिकली ज्ञान की बात अगर आप पकड़ लोगे तो मेरी तरह अच्छा है, बाजार गिरे तो नाच रहे हो भैया, माल ले रहे हैं, पुट्टे बेच रहे हैं, मजा आ रहा है, बाजार चढ़े हो रहे, पोर्टफोलियो की वैल्यू बहुत बढ़ रही है यार, बहुत बढ़ रही है। आज मेरे पोर्टफोलियो की वैल्यू जो है 20 पैसे बढ़ गई है, मैं बताऊं तुम्हें एग्जैक्टली। एक में बढ़ी है 10 पैसे 75, अब 11 पैसे के लो एक के अंदर, और दूसरे के अंदर बढ़ी है मैंने भी देखा था फिर मैं इग्नोर कर गया, बिजी हो गया तो देख लेते हैं बड़ी। एक यार इंटरनेट खराब हो गया, दूसरा चला दिया। क्या बता रहा था राजे में, हाँ एक में 13 पैसे, एक में 20 पैसे, 11 पैसे, कितने हो गए 24 पैसे एक दिन में पोर्टफोलियो की वैल्यू बढ़ गई। तो अब समझे मेरी बात, अब आप कहते हो सर आप कहते गिरेगा बाजार, अब अगर गिर, मैं यही कल्पना करके चलूंगा कि बाजार गिरेगा तो मैं माल अंडा लूंगा, मैं कुछ लूंगा ही नहीं। मैं इसका मतलब अगर मेरा पोर्टफोलियो इतना बढ़ रहा है तो कैसे बढ़ रहा है, मैंने माल लिया हुआ है ना, हर गिरा बताओ कब नहीं लिया, मैंने पर्ल पहल का पूरा लॉट ले लिया था। अब मैं ये बातें सब आपको इसलिए बताता हूँ ना कि जब बाद में आप दुखी होते हो ना, फिर मुझे अच्छा नहीं लगता, आप रोना शुरू कर देते हो, फिर मुझे बुरा लगता है कि सर हमने लिया नहीं, हम इंतजार करते रहे। भाई गाड़ी को रोकना नहीं है, जीरो नहीं करना है और 1 नहीं करना है, इतनी तेज चलाना कि एक्सीडेंट हो जाए, मध्यम गति से चलाओ ना, नीचे करते रहो ऊपर प्रॉफिट बुक करते रहो। अब तो सीधी सी बात है, सेल ऑन राइज बाय ऑन फॉल, जब गिरे कुछ ना कुछ पोजिशन नहीं बना लो, बड़े कुछ ना कुछ टाटा बाय बाय कर दो, तो आप मेरी तरह खुश रहेंगे। सही बताइए कैसा लगा, कमेंट बताइए। तो भाई ये तो हो गई आज की आपकी एक रणनीति जिसको आपने फॉलो करना है। अब बात करेंगे जानी किसकी, शेयर बाजार की कहानी MK जी की जुबानी, और मैं लेके चलता हूँ आपको आज के मार्केट मूड पर।
तो भाई मार्केट मूड अभी भी एक्सट्रीमली फेयर है, ये फियर, ये आपने 4 तारीख का भी एक्सट्रीमली फेयर ही दिखा रहा हाँ है, जी सर, चेक किए अच्छे से, हाँ जी सर, सच्ची बोलो, झूठ हाँ जी नहीं सर, बोले, झूठ बोले कौवा काटे, नहीं सर, एक्सट्रीम देख फियर लो एक बार, और आज यार बजा इतना भागा मैडम के लिए, अभी भी एक्सट्रीम फियर चल रहा है। तो भाई ठीक है, अभी मार्केट मूड है, कंप्यूटराइज फॉर्मूला उनसे उन्होंने डाटा निकाला है, हालांकि थोड़ी इंप्रूवमेंट तो हुई है, एक्सट्रीम फियर घटा है, पर अभी फियर में कन्वर्ट नहीं हुआ है, यानी बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं आई है। देखो सर। बस बॉर्डर बॉर्डर में ही है, देखो 30 से ऊपर आती फियर बन जाएगा ये, तो बॉर्डर में ही है अभी। अब अंतर्राष्ट्रीय देखिए, अब कारण समझिए, अब आपको लगेगा देखो यार ये तो बड़ा मज़ेदार हो गया, डॉलर इंडेक्स गिर गया, आपको लगेगा यार क्रूड थोड़ा सा बढ़ गया ये नेगेटिव है, आपको लगेगा यूएसडी आईएनआर में थोड़ा सा सुधार है ये पॉजिटिव है, और इंटरेस्ट रेट तो गिर गए पॉजिटिव है, ये सब गिरने की वजह से बाजार चढ़ रहा है। ना 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 बेटा, ऐसे बुलावे मत रहो, ये ऑपरेटर, हर जो ये ऑपरेटर है ना वो नहीं है छोटे मोटे लल्लू पल्लू, ये अंतर्राष्ट्रीय ऑपरेटर है। जैसे आपने देखा ना जैसे स्मगलिंग देखो कितनी, पाव एस्कोबार, पाब्लो का नाम सुना होगा आपने, एस्कोबार पैब्लो था, पैब्लो एस्कोबार था उसका नाम सुना होगा, कितना बड़ा ड्रग पिन था, ब्राजील कहाँ का था, ब्राजील का था ना, मैक्सिको मैक्सिको, कितना बड़ा ड्रग का लॉर्ड था। यानी अब धंधे बड़े बड़े हो गए हैं, तो ऑपरेटर भी तो बड़े बड़े हो गए हैं। आईफोन को देखो कितनी बड़ी कंपनी है, अंबानी ग्रुप देखो, अडानी ग्रुप देखो, ऐसे ऑपरेटर भी बड़े बड़े हो गए हैं, बड़ी बड़ी फंड हाउसेस बन गए हैं, वो अंतर्राष्ट्रीय मार्केटों को चलाते हैं, वो हर सेगमेंट में काम करते हैं, तो जब उनको बाजार बढ़ाना होता है ना तो ये इस तरह के फैक्टर्स भी वो कई बार क्रिएट कर देते हैं। ऐसा मेरे पास एविडेंस नहीं है, आपको सर आपको पक्का पता, गारंटी से पता, गारंटी से पता नहीं है, कहते ना दिल कहता है ऐसा होता है जी, होता है ऐसा ही मार्केट में, भाई मन कहता है और जो ऑब्जर्वेशन है वो कहती है, इसका कोई, ये कहते ना जैसे यार ऐसा लगता है भगवान मेरे मन में राम, तन में राम, रोम रोम में राम बसे, आप करो दिखाओ जी कहाँ बसे, ये दिखा नहीं सकता, ये एक भावना है, एक फीलिंग है, ये हम बता नहीं सकते, एक्सप्रेस नहीं कर सकते, एक आइडिया से लग जाता है, कन्विक्शन होती है, एक इंट्यूशन होती है, तो इस चीज़ों को खेला जाता है हिसाब से। अब आप कहेंगे ब्रिटिश क्रूड तो बढ़ गया, ब्रेंट क्रूड तो ये तो नेगेटिव है, एक्चुअली ये भी पॉजिटिव है, क्योंकि पहले जो ब्रेंट क्रूड गिरा था उसके पीछे बड़ा कारण था फियर ऑफ रिसेशन, अब फियर ऑफ रिसेशन माइंड से हटा है तो इसलिए बढ़ा है, और फियर ऑफ रिसेशन माइंड से हटा नहीं है, टॉलरेबल हो गया है, कोविड को देख लो ना, कोविड खत्म नहीं हुआ, कोविड है पर हमारा डर निकल गया, अब हमें आदत सी हो गई है, ठीक नहीं कह रहा मेरे को, सही कह रहे हैं। वो ही बात यहां पर है, हिचकी आ रही है यार, कहते 7 घूंट पानी पी लो हिचकी बंद हो जाती है, अब 7 घूंट पी लिया, ये भी विश्वास है आपको जी, इसका कोई रिकॉर्ड दिखाओ, किसी बुक में लिखा हो, कहीं हमारे वेद पुराण में लिखा हो, सर मैं हाफ दिखा डजन सकता को हूँ, आरसी कैसे? बस ये चेक कर लिया, ये कन्विक्शन है, मैंने पिया, आप देखना हिचकी आती है कि नहीं, पता चल जाएगा। अब बात करें FISDAI की, तो देखो मैंने आपको क्या कहा, ये गेम प्लान होता है, अब जो FIs 13-3 तारीख को दबा के माल बेच रहे थे, वो 4 तारीख को माल दबा के खरीदते, पंजाबी में इसको कहते हैं कमीनपना, बुरा नहीं मानना, मैं ऐसा कुछ कह नहीं रहा हूँ, ऐसे पंजाबी में लोग कहते हैं कि भाई सब बड़ा ही कमीना है, गेम खेल जाता है, आप अगर पंजाबी हो तो कमेंट में बताओ कहते हैं कि नहीं कहते इस तरह से, तो भाई अब आप देखो ये क्या गेम नहीं खेल गए, गेम नहीं खेल गए भाई साहब, जो कल माल पिटा और आज साला इतना खरीद दिया खींच के, जैसे कल तो बिकवा के सारा कुछ पैनिक क्रिएट कर दिया, और आज कल तो ऐसा हो गया भाई साहब, पता नहीं क्या हो गया, कलयुग जाए सत्ययुग जाएगा कलयुग आएगा, कल ऐसा था और आज कलयुग जाएगा सत्ययुग वापस आ गया, कमाल कर देता है। अब आप देखो 1,344 करोड़ की कैश सेगमेंट में खरीदारी, इंडेक्स फ्यूचर में 3,100 करोड़ की, मतलब मायने रखता है, स्टॉक फ्यूचर में 2,200 करोड़ की खरीदारी, और इसके मुकाबले DIs ने सिर्फ 945 करोड़ का डरते डरते घबराते घबराते खरीदा माल।
अब 2300 करोड़ की तो कैश सेगमेंट में खरीदारी आ गई और 6616 करोड़ की कुल खरीदारी करके आज एफआईज भागे हैं। क्या गेम प्लान है भगवान जाने। अब डाटा तो ये कह रहा है अभी एक आध दिन बाजार खींच सकते हैं फिर माल काट देंगे। अब देखो झटके से मैंने कहा हल्के होके चलो, अब ये भी हल्के हुए पड़े थे इंडेक्स फ्यूचर में 13.37 से सीधा 20 के लपेटे में आ गए और स्टॉक का भी थोड़ा सा बढ़ा है और लगभग 50% लॉन्ग कर दिया स्टॉक के अंदर। अब अगर आप इस वक्त अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की बात करें क्योंकि अब थोड़ा सा भारतीय बाजारों की चर्चा करनी है तो डार्लिंग पहले अंतर्राष्ट्रीय बाजारों को कितने टटोल लें क्या चल रहा है हमारे अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में, इसको हमने टटोलना है। क्या करना है? टटोलना है। कमेंट में लिखो टटोलना। भाई साहब आज कितने एशियाई बाजारों में, एशियाई बाजारों में जापान 3% बढ़ा हुआ था, सिडनी ऑस्ट्रेलिया 4.25%, चाइना के तीनों इंडेक्स लाल थे। बताइए क्यों? मजा आ जाए कमेंट में बता दो। चाइना लाल था क्योंकि चाइना बंद था, 30 तारीख से बंद है, 30 को लास्ट ट्रेडिंग हुई थी उस दिन की गिरावट ही दिखा रहा है। और तिवान वेटेड 2%, हांगकांग बंद है, कॉस्पी 2.5%। ये कमाल आज एशियाई बाजारों का सारे हरियाली में। अब चलते यूरोप। ओए होए 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 कितने भाई साहब आग लगी पई है पंजाबी में तो, ओए आग लगी पई है, ओए आग लगी पई है, चारों ओर आग लगी हुई है। देखो आप सुन के ना आपकी पेंटें गीली हो जाएंगी। मैं तो कहूँगा आप वीडियो को पॉज करके पहले सुसु पॉटी कराओ फिर बैठो, क्योंकि देखो इतना कई बार आदमी सहन नहीं कर पाता। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, बुरा नहीं मानना, देखो आप सीरियस मैटर है क्योंकि मैं जो फिगरे बोलने वाला हूँ कुछ भी हो सकता है आपके साथ। तो वीडियो पॉज करके हल्के हो आओ और फिर बैठ के आराम से बाकी की वीडियो देखो तभी मजा आएगा। देखो जर्मनी 3.5%, लंदन 2.5%, पेरिस हाँ बड़ा हुआ है 4%, मद्रिद 3%, हमारे बाजार सारे अंडे बड़े, हमारे बाजार तो बड़ी नहीं सारे। मिलन 3.25%, स्विट्जरलैंड 2.5%, स्टॉकहोम 3.5%। भाई साहब पजामा इतनी तेज बांध दिया कि गिर ही नहीं सकता ऐसा लग रहा है। ऑपरेटर कुछ कर ले। अब चलते हैं अपने अमरीकी बाजारों की तरफ और वहां भी भाई साहब हरियाली हरियाली है चारों ओर। डाउ जोन्स 2.5% 2.5% के बीच में, आपका S&P 500 3% के लपेटे में, नैसडेक 3.5% के लपेटे में, स्मॉल कैप 3.5% के लपेटे में, और आपका कनाडा भाई साहब 2.3% और ब्राजील का बोस्पा क्योंकि कल भाग गया था बहुत ज्यादा आज 0.8%। और इसके बाद अगर आप अपने SGX निफ्टी 50 फ्यूचर की बात करोगे मैं रकम लिखने वाला हूं अभी स्क्रीन के ऊपर, मैं फिर बोल रहा हूं आपका कुछ भी निकल सकता है, जरा ध्यान देना। 17,409 अब की बार 17,500 के पार ऐसे गाने गा रहा है। अब बताओ इतना कमाल अगर बाजारों में एक दो दिन में हो जाएगा तो भाई साहब आम आदमी की तो निकल ही जाएगी ना घबराहट, फियर ऑफ मिसिंग आउट। मैं तो मर गया जी, मैं तो लुट गया, मेरा चांद छुट गया, मैं तो बर्बाद हो गया जी, वो फीलिंग तो आनी आनी है। अब आप देखो 16,887 पे कल बाजार बंद हुआ है कपड़े फटवा के और आज एक बड़ी वाली गैप ओपनिंग 300 पॉइंट की 17,147 पर खुलकर। भाई साहब बॉटम शुरुआती दौर में 17,117, देन नेवर लुकिंग बैक थ्रू आउट द डे इट केप्ट ऑन राइजिंग लाइक ए रॉकेट एंड मेड अ हाई ऑफ 17,287 और उसके थोड़ा ही नीचे भाऊजी 17,274, जस्ट 12 पॉइंट नीचे आज के पीक के आसपास ही आप बोलोगे बंद हुआ है। 2.25% से ज्यादा की तेजी और लगभग 400 पॉइंट से थोड़ा कम बढ़कर भाई साहब लोगों को चक दे फटे कहता हुआ निकल गया। इस इंडसइंड बैंक की मैंने बनाई थी जबरदस्त MKJ खतरों के खिलाड़ी गट स्ट्रेटेजी और मेरा माल जो बिकेगा 1360 का बिकेगा, नहीं 1260 का, दो लॉट, एक 1260 एक 1270। मैं कहता हूँ चला जाए जी, मेरा जार का माल खरीदा हुआ है जी 1800 शेयर, अगर मुझे 250 रुपये भी एक शेयर में बच जाते हैं मैं देखना जरा 1800 को 250 से मल्टीप्लाई करके। भाई साहब मैं तो कहता हूँ मेरी कॉल ITM हो जाए, मैं तो बस गंगा नहाई जी
देखो जी मैम कितनी होता है जी तौजला। कैलकुलेटर। बच्चे कहेंगे सर ये तो गलत बात है, ओए दो लॉट और पड़े हैं ना यार, फिर बेचूंगा आगे का माल। 4.5 लाख 4.5 लाख डराते हैं भाई, सब ना निकल गया, वधिया हो गया साला काम, ते और की चाहिए सानू। तो ये होती है गेम। अदानी पोर्ट देखो भाई साहब, गोली इसकी 1 फुट बेची हुई है, बजाज फाइनेंस इसकी स्क्वेयर ऑफ कर दी थी, कोल इंडिया ओए, हीरो मोटर, यूपीएल, टीसीएस, टीसीएस का माल बेचा हुआ है भाई साहब, गत्ता भाई बग्गे वैसी, और मरने वाला था पावर ग्रिड और डॉक्टर रेड्डी लैब, और आज मैंने पावर ग्रिड में गेम खेल लिया एक छोटा सा एज यूजुअल। अजी प्रभु का आशीर्वाद है, थोड़ी शुभकामनाएं ने। सिर्फ दो ही शेर थे जो आज लाली अली में, तो बाकी सारे हरियाली में। अब देखो जी इस गैप को तो फिल हो गया जी, फिल हुआ जी, फिल हुआ ऊपर का गैप, फिल हुआ। अब नीचे का गैप कह रहा है दिल पुकारे मेरे आज, नहीं दिल, अब नीचे गैप दूसरी तरह से गाना कर रहा है, दिल पुकारे नेड़े आ रे आ रे, नेड़े मतलब होता है पास आ रे आ रे। अब देखो यहाँ तो वी शेप रिकवरी हो गई भाई सर। अब आप मुझे बताओ बाजार ऊपर ही ऊपर भागेगा या वापस नीचे की ओर दौड़ लगाएगा, जरा कमेंट में आप बताना। अब देखो अब हिस्टोग्राम 3 दिन से हरा है, अब तो कहोगे बाजार में टर्न अराउंड हो गया है, क्योंकि RSI भी बड़ा रीजनेबल हो गया है, 50, 48, 50 के पास आने वाला है। यानी अब तो ऐसा एक बार को लग रहा है जी दिवाली और दशहरे के मौके पर राम राज्य एस्टेब्लिश है, ऐसा लग रहा है। आपको क्या लग रहा है कमेंट बताइए। बाकी बाजार है जी, अब साड़ी तैयारी है दोनों ओर दी हैगी, अपन तो फिर अपना पलड़ा कहते ना बदल लेंगे। अब देखो कॉल राइटर्स में आज हबदड़ मच गई, कल वो 17,000 पे मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट करके बैठे थे, आज भाग के 17,500 पे चले गए डरपोक। और पुट राइटर्स भी कल 16,000 पे मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट था, आज भाई साहब उड़ के 17,000 पे आ गए। मैक्सिमम पेन जो 17,000 पे था, आज 17,200 पे चला गया। तो भाई साहब कमाल है, कहते ना कमाल है कमाल है, ये कैसी खुशी की शाम है। तो भाई मस्त चल रहा है। और इवन अगर आप देखोगे तो एक आपको थोड़ा सचेत होना पड़ेगा एक चीज़ से, बड़ा भारी है ये विरोधाभास, क्योंकि मंथली अगर आप देखते हो एक्सपायरी, उसमें पुट का ओपन इंटरेस्ट जो कल तक 17,000 के लेवल पे था, आज बढ़कर 16,000 पे चला गया। ये सोचन वाली बात है कि कॉल का अभी वही है 18,000 पे, मैक्सिमम पेन भी वही है। यानी कहीं ना कहीं मंथ एंड लो को खतरनाक और डार्क लग रहा है। देखो कितना जबरदस्त PCR में चेंज हुआ है एक दिन के अंदर, इतनी पुट्टे लिखी गई हैं भाई साहब। अब धर्म तो ये कहता, मैंने आपको कहा था कल भाई, धर्म तो ये कहता ऑपरेटर के कि अब कॉल राइटर्स की लेंगे, नहीं पुट राइटर्स की लेंगे। क्यों नहीं, कल कॉल राइटर्स ने माल लिखा था ना, हाँ कॉल राइटर्स ज़्यादा हुई थी ना कॉल राइटिंग, कल PCR गिरा पड़ता तो कॉल राइटर्स की आज ले ली, अब PCR इतना बढ़ गया। अब धर्म तो ये कहता ना बारी बारी से, कभी तेरी कभी उसकी, कभी तेरी कभी उसकी, आप पुट राइटर्स को मारना चाहिए, पुट राइटर्स को कैसे मारेंगे बाजार गिर के, धर्म तो यही कहता है ना, कल मैंने आपको यही बताया था। और मंथली PCR में भी इम्प्रूवमेंट है, पर वीकली PCR जो है वो भाई साहब ओवरसोल्ड से सीधा ही ओवर बॉट में लैंड किया, बीच तो मतलब ही नहीं है। और यही हाल निफ्टी बैंक का था, 38,029 पे क्लोज हुआ था, 700 पॉइंट के लगभग गैप अप ओपनिंग, 38,700 मायने रखता भाई साहब एक ही दिन में इतनी बड़ी, और बॉटम शुरू में ही था हल्का सा 38,596 का, फिर जो भागा इमीडिएटली पीक के आसपास पहुंच गया, फिर वहीं घूमता हुआ यहाँ इसने पीक बनाया 39,000 के ऊपर, और फिर बढ़ता बढ़ता गिरता बढ़ता 39,000 के ऊपर ही पीक से थोड़ा नीचे 39,110 पे बंद हुआ, 1,100 पॉइंट के लगभग की तेजी थी, 2.5-3% के आसपास का मामला था। कल जहाँ सारे शेयर लालियाली में थे, लगी हुई थी शेयरों की, आज सारे शेयर हरियाली में, हरियाली। मैंने IDFC फर्स्ट बैंक की भी एक कॉल भेज दी है, पूछो कितने की, 60 की, कितने की 60 की, पूछो क्यों भाई, मेरे खरीदे 45 किलो पिट्टे में है, 15,000 शेयर है, 15 रुपये बचेंगे, 2.5-2.5 कर आ जाएंगे, हम तो चाहते हैं इंदा मनी हो जाए, वही इंदा मनी हो जाए यार, हो जाना प्लीज भाई प्लीज। इंडसइंड बैंक भी जो है आज तेज था, इसका भी मैंने आपको बता दिया। HDFC बैंक में पकड़ के बैठा हूँ, मेरा HDFC बैंक में ना एक्चुअली 1700 के आसपास बेचने का मन है, उससे कम नहीं, 1700 का प्रीमियम कुछ नहीं मिल रहा, इसलिए मैं इसकी कॉल नहीं बेच रहा। और कोटक महिंद्रा भी तेज था, तो सारे तेज थे, कोटक महिंद्रा सबसे कम तेज था 2.25%, और IDFC फर्स्ट बैंक तो आज सब बजा जिंगल लला जिंगल लला,
भाई साहब 8% के लपेटे में तेज बंद हुआ है, पूरा सबका जिंगा लाला बना दिया है। अब देखिए इसकी भी वी शेप रिकवरी, पर इसका गैप अभी बचा हुआ है, नीचे का भी बचा हुआ है, इसके तो दोनों ही गैप चुका रहे। दिल पुकारे नेड़े, अरे अरे भैया जल्दी नजदीक आ जा, नेड़े आ जाए वो कह रहे दोनों। और यहाँ भी वही बात है, 3 दिन से हरा हिस्टोग्राम, बुलिश क्रॉस ओवर में कमजोरी, आर एस आई मजबूत 50 के लपेटे में। और यहाँ कोई खास परिवर्तन ऑप्शन चेन एनालिसिस में नहीं है। हालांकि कॉल राइटर्स 40,000 का लेवल छोड़कर 41,000 पे जाके बैठ गए हैं, पुट राइटर्स वहीं डेरा जमाए बैठे हैं 37,000 पे, पर और लेवल्स पे भी उन्होंने अपना ओपन इंटरेस्ट खासा जबरदस्त बढ़ाया है। और मैक्सिमम पेन इस वक्त एक क्रूशियल लेवल है 39,000 का वहां है। अब गेम परसों क्या होगा परसों ही पता चलेगा। और यहां ये न्यूट्रल से बेटर हो गए, जहां ओवरसोल्ड था हल्का फुल्का, वहां हल्का फुल्का मतलब बेटर वे में न्यूट्रल हो गया। लेकिन अभी भी मंथली वाले में कोई खास चेंज नहीं है, तो इतना भी एक्साइटमेंट की बात नहीं कि दिन बदल गए दुगनिया बदल गई। आज मैंने प्रभु के आशीर्वाद से प्रभु की कृपा से मुंह मिठा किया है, 11,000 शगुन के आसपास का प्रॉफिट कमाया, 10,570 एक पुट एक कॉल में नया ट्रेड किया, 3 स्क्वायर ऑफ किए। अब क्या स्क्वायर ऑफ किए देखिए, एबी कैपिटल को किया 2970 रुपये, निफ्टी के मैंने एक बनाई थी MKJ न्यूट्रल बेयर पुट स्ट्रेटजी, उसको स्क्वायर ऑफ कर दिया और कुल मिला के इसमें 7,600 का फायदा हुआ। इसमें मैक्सिमम फायदा 7,900 का था, मैंने कहा यार ये अक्टूबर शुरू हुआ है, पूरा अक्टूबर बचा हुआ है, 7,900 की जगह 76 मिल रहे हैं, इसको तो लपेटो फिर पता नहीं क्या होगा, फिर बेच लेंगे, ये सोच के मैंने ऐसा किया। आपको मेरा स्टाइल कैसा लगा कमेंट में ज़रूर ज़रूर बताएं प्लीज़। अब बात कुछ करने को रह नहीं गई है, सारा मामला ख़त्म हो गया। अब आप कहेंगे सर बड़ा रिस्क है इस बाजार में, तो डर किस बात का, पहले सीखो फिर ट्रेड करो। सीखने के लिए मेरे स्टूडेंट बनो व्हाट्सएप के या यूट्यूब के, व्हाट्सएप के लिए नंबर है 70,11,323,077, यूट्यूब के लिए सब्सक्राइब के साथ ज्वाइन का बटन है, सिर्फ ठोकना है। अच्छा डीमैट अकाउंट खुलवाना है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इसी के साथ साथ बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग। और आप, मैं आपसे कह रहा हूँ भाई साहब, बादशाह बने कहाँ के, शेयर बाजार के।